ये तो झूठ बोलने वाली लफास सरकार है। जब चुनाव आया तो याद आ रहा कर्जा माफी, और इसके पहले जो कर्जा माफी बोले थे उसमें झुट्टू बना दिया उन्होंने। जो अवैध शराब की बिक्री है, गली गली में कोचिए जो घूम रहे हैं, वो बहुत खतरनाक समस्या है। वहाँ की युवा शक्ति को ये सरकार बर्बाद कर देना चाह रही है। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अलग अलग विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने जिला में नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में हम भी यहाँ पर रायपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद है, जहाँ पर धरसीबा विधानसभा से बीजेपी के सीट पर अनुज शर्मा जो है वो नामांकन पत्र भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात जो है निष्क्रियता, उस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में विकास कार्य पूरी तरह से रुक गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है, जो अवैध शराब की बिक्री है, गली गली में कोचिए जो घूम रहे हैं, वो बहुत खतरनाक समस्या है। वहाँ की युवा शक्ति को ये सरकार बर्बाद कर देना चाह रही है। और आप देखिए, उन्होंने प्रत्याशी भी जो दिया है वो ऐसा प्रत्याशी दिया जो 20 साल पहले वहाँ से चुनाव लड़ी और इस 20 बार देखने नहीं आई उस क्षेत्र को। राज्यसभा की सांसद रही, किस गाँव में कौन सा काम कराई पूछेगा उनसे? और आप उनसे पूछ रही है जनता कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष थे, आपने क्या किया क्षेत्र के विकास के लिए? तो उनको पता है कि कौन सक्रिय रहेगा और कौन निष्क्रिय रहेगा। इस बार क्रांति सेना के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे धरसीवा विधानसभा से, तो क्या भी चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? नहीं, सब छत्तीसगढ़िया लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा आराधना करने वाले लोग लड़ रहे हैं, कोई चुनौती नहीं मानता मैं। पूरा जीवन दिया आपने फिल्मी लाइन पे, इस चुनाव के किस एंगल से लेते हैं? देखिए, मैंने छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए राजनीति में पदार्पण किया था। और मैं ये बात भी कह रहा हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ महतारी की तो सेवा की, भले कला और संस्कृति के माध्यम से थी, उस दायरे को बढ़ाया मैं अब जनसेवा के माध्यम से करूँगा। देखिए, मेरी अपेक्षाएं तो यही है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिले और वो मुझे मिल रहा है। मुझे पता है कि जनता का मेरे प्रति क्या भाव है और मेरा उनके प्रति जो सम्मान है। एक सामान्य से गरीब घर के लड़के को यहाँ तक लाने में इस छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन का ही आशीर्वाद है। नहीं, मुझे तो बस मिलने आते हैं और कहते हैं, भरपूर आशीर्वाद देते हैं कि हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, आपको विजयश्री मिलेगी। देवजी भाई पटेल हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने 4 बार वहां से चुनाव लड़ा, 3 बार विजयश्री हासिल की, 3 बार वो उत्कृष्ट विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं देवजी भाई और हम सब मिलकर काम करेंगे। आप ये बात पहले देखिए, 5 साल तक क्या कर रहे थे और कर्जा माफ करने की जरूरत क्या पड़ गई उनको? जब चुनाव आया तो याद आ रहा कर्जा माफी, और इसके पहले जो कर्जा माफी बोले थे उसमें झुट्टू बना दिया उन्होंने। राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? ये तो झूठ बोलने वाली लफास सरकार है। तो छोड़ के आपको पार्टी का टिकट दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तय करती कि किसे चुनाव लड़ाना है, ये रणनीति है पार्टी की और पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करती है। और पार्टी ने मुझे आदेश किया, कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम करता रहा पार्टी के लिए, तो आदेश दिया, उस आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपकी ओर से उस क्षेत्र में मुख्य कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पे आप काम करेंगे? सबसे पहले तो जो वहाँ ठप पड़ा विकास है वो विकास शुरू हो जाए, क्योंकि किसी गांव में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। आप देखिए, उस क्षेत्र में गांव-गांव में शराब कोचिया घूम रहे हैं और वहाँ एक बहुत प्रमुख समस्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ की लोकल प्रतिभाओं को, वहाँ के लोकल लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, एक प्रमुख समस्या ये भी है। इसके अलावा स्पेसिफिक समस्या, अलग अलग गांव की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं पे काम करेंगे।